प्रतापनगर थाना पुलिस ने शांति नगर में मोपेड सवार दुकानदार व पिता पुत्र से लूट कर वह दुकान से 20,000 रुपए चुराने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वे दो अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। पुलिस के अनुसार प्रकरण में सेक्टर 7 और आसपास के क्षेत्र में संदिग्ध युवकों से पड़ताल के बाद भगत कोटी के देवनगर मंदिर के पीछे निवासी राहुल गुजर पुत्र बाबूलाल को हिरासत में लिया है। पूछताछ में उसने दो अन्य युवकों के साथ वारदात करना स्वीकार किया है। इस पर राहुल को गिरफ्तार कर अन्य दो युवकों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि कायलाना रोड पर मीरा कोलानी निवासी कमल ग्याहानी के सेक्टर 7 में दुर्गा किराना स्टोर नामक दुकान है, जिसके पास ही आरोपी राहुल की आवाजाही रहती है। वे कमल ग्याहानी को प्रतिदिन रात को घर जाते हुए देखता था। उसे पता था कि दुकान में बड़ी रकम रहती है, तो इसी का फायदा उठाकर उसने 13 जनवरी की रात को वारदात को अंजाम दिया था। कमल ज्ञानी जाति का सिंधी है, शांतिनाथ नगर का रहने वाला है। इसकी 7 सेक्टर में किराने की दुकान है। 13 तारीख को ये अपने पिताजी के साथ स्कूटी पे दुकान से घर आ रहा था। रात को करीब 10:30 बजे इसके साथ 3 लड़कों ने मारपीट करके 3,000 की लूट की थी। उन थोरों से नामजद करते हुए राहुल गुजर को कल गिरफ्तार किया। उसके दो साथी हैं, उनकी तलाश जारी है। सर, इन्होंने इनकी दुकान में भी सेंधमारी की है। बाद में घटना के बाद में जो दुकान की चाबी थी, उस चाबी से ताला खोल के और 20,000 रुपये दुकान से निकाल दिए। ये बात भी मुझकी इसने अपने बयानों में बताई।